कब चुप। अब तुम्हारी तरकीब की वजह से मेरी सोने जैसी बच्ची मेरी सुषमा का हाथ मुझे उस निकम में नकारा दीपक के हाथ में देना पड़ रहा है। काका, शांत, 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 काका। काका, अभी तो 125 और नारियल ही देना है ना हमें। रिश्ता होए इससे पहले, शादी से पहले ये रिश्ता तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। हाँ काका, तोड़ दूंगा, हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। अगर कोई भी सुषमा और दीपक की सगाई के बीच में आया तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। ज्ञानचंद जी, क्या हो गया? आपने कुछ सुना क्या? सब सुना, हमने सब सुना। जो जो ग्रहों ने हमसे कहा हमने सब सुना। हम अंतरिक्ष में गए थे सभी ग्रहों से विनती करने के लिए, और हमने राहु और केतु से विनती की। हम उनके पैरों पे गिर गए कि हे राहु केतु, हम आपके पैर पड़ते हैं, कृपया करके आप महासंस्कारी दीपक और सुषमा बेटी पे आशीर्वाद बरसाइए। परंतु वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं, रुष्ट होके आगे निकल गए। फिर हम उनके पैरों पे जाके पड़ गए। ये तो अच्छा हुआ बीच में मंगल आ गया। कौन? डाकू मंगल सिंह? मूर्ख बालक, मंगल यानी कि मंगल ग्रह, वो बीच पे आ गए। तुम चुपचाप खड़े रहो वहीं पे, बटला कहीं का। बड़े भैया, बड़े भैया, शांत हो जाइए। अभी अभी आप सुषमा यात्रा से आए हैं। सुषमा यात्रा से अभी अभी आप आए हैं, शांत हो जाइए। नहीं छोटू, हमें बताने दो कि सुषमा और दीपक की शादी के लिए हमने कहां तक सेटिंग की है। वो लोखंडे जी को जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम बृहस्पति जी के पास गए। हमने बृहस्पति जी से कहा, आप तो पति जी बन गए, कृपया करके दीपक बिचारे को सुषमा का पति जी बनने दीजिए। अल्लाह, आपने बृहस्पति जी से बात की? हाँ, और हम पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। लोखंडे जी, जब हम महासंस्कारी दीपक को नारियल और 125 देते वक्त स्थित प्रज्ञ अवस्था में चले जाएं, तब आप समझ लीजिएगा कि हम आकाश में देवताओं के साथ नौ दंपत्ति पर पुष्प वर्षा करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े भैया, लगता है मेरे सुषमा का हाथ मुझे उस निकम में दीपक के हाथ में देना ही पड़ेगा। क्या होगा, क्या करूं मैं अभी? बस बहुत अच्छा है, अब मैं घर जा रही हूँ। What is this nonsense, Miss Kalia? What is this? तो क्या करूँ जय? तुम्हारे इस सदाशिव को संभालने से तो अच्छा कि मैं घर जाकर मिस बाल पानी को संभालूं। I agree, Miss Kalia, लेकिन अब क्या करें? अटक गए, मुझे भी नहीं पता मुझे किस गधे ने कहा था कि सदाशिव को जयवीर चोपड़ा बनाओ। मैं चाहती हूँ उस गधे को। ये आइडिया तुमने खुद दिया था जय। सर, आपने अभी अपने आप को गधा कहा क्या? हाँ, मैंने अभी अपने आप को गधा कहा, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं अपने आप को गधा ही महसूस करता हूँ। अब तक एक छोटी सी बात मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। स्टॉप ड्रिंकिंग मिस कालिया, स्टॉप ड्रिंकिंग विल यू? अरे जय, मुझे अभी अभी एक आइडिया आया। देखो, जब भी मुझे टेंशन होती है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, मैं एक शॉट लगाती हूँ, है कि नहीं? तो मैं इसे भी बोलती हूँ, एक शॉट लगा ले, इसका भी कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा। चल चल, एक शॉट लगा लो। हाँ, नहीं, 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 ये जहर है, जहर। अगर इस जहर को पीकर मैं मर गया तो मेरे बस का पास वेस्ट हो जाएगा। यार, ये कैसा इंसान है? यहाँ मुझे अपनी बीवी को खोने का टेंशन है और तुम्हें अपने बस की पास की पड़ी हुई है। इस कालिया, इससे नहीं होगा। Hi, this is Jaiveer Chopra. I'm the owner of PVC Tires. And I have decided to cancel the appointment of Dr. Jaya Chopra as medical officer of my company. She should vacate the cabin and sign the resignation letter as soon as possible with immediate effect. Thanks a lot. Yours faithfully, Jaiveer Chopra. मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया?
सब इनमें। You just shut up. Miss Pinky, take it easy. आपको इसको जया से मिलाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अभी जो कुछ भी इसने कहा ना, हमारे कंपनी के लेटर पे टाइप कर लीजिए और आप खुद की साइन कर लीजिए और जाके जया के हाथों में दे दीजिए। That's it, matter over. Sir, I am not impressed, sir. ये मैं नहीं कर सकती। क्यों? सर, जया मैम से तो मैं कितनी इम्प्रेस्ड हूँ और उन्होंने तो मेरे पापा की जान बचाई है। मैं ये नहीं कर सकती, ये लेटर मैं उनके हाथ में नहीं दे सकती। अरे तो फिर एक काम करो, अपने हाथों से बंधो, अपने हाथों से ले जाकर उनके टेबल पर रख दो, उनके आने से पहले उन्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा पिंकी, वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें इसे जया से मिलाना पड़ेगा और इन दैट केस इसका जोश बरकरार रखने के लिए तुम्हें इसके साथ जाना होगा। चॉइस इज योर्स। ओके सर, मैं ये लेटर ले जाके टेबल पे रख दूंगी, बट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस आइडिया सर। इट्स ओके, वी ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। कल जादू तो मैंने किया है लेकिन काला जादू नहीं किया है। वो भी जादू मैंने लोखंडे जी के ऊपर किया, देखो कैसे नीले पड़ गए, पीले पीले। जल्दी कर, जल्दी कर, कहीं उन्होंने हमारी चोरी पकड़ ली ना तो हमारे चेहरे लाल हो जाएंगे। अभी यहाँ से तुझे जाना भी है, दीपक बनकर वापस भी आना है, ज्ञानचंद जी का पुतला लगाना है। हाँ अंकल, मुझे पता है, मेरे रहते हुए आप क्यों टेंशन ले रहे हो, उसका भी प्लान तैयार है अंकल, पूरा तैयार है। अभी इस अग्नि में से धुआं निकलेगा, उस धुएं का फायदा उठाकर मैं ज्ञानचंद जी का पुतला यहाँ बिठा दूंगा और उसके बाद महासंस्कारी दीपक को हाजिर कर दूंगा। ओम भट स्वाहा, शादी हो जाए फटफट। जो भी करना है जल्दी कर। कड़बक कड़बक में बोल, 80 पूरे 100 मिलाकर धागा चोर निकल कर भागा। कसली आइडिया संगीत ले रे? अब देख, सुषमा की सगाई दीपक से होके ही रहेगी। काका, काका चुप। काका, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अगर सुषमा दीदी की शादी दीपक से हो गई ना, उसकी जिंदगी ऐसे धुआं धुआं हो जाएगी। कक्का माजी, अंदरे अरे सुन, भगवान है कहीं तो सुषमा दीदी को बचा लिया। क्या कर दिया आपने? आवाज आवाज, छोटू अपनी बीवी को समझाया करो कि कभी भी कुछ भी कर देती है यार, समझाया करो उसको छोटू। माँ, माँ ये क्या कर रही हैं आप? अरे क्या हवन चल रहा था, आपने क्यों उस पे सावन बरसा दिया? मुझे क्या मालूम हवन चल रहा था, मुझे तो लगा घर में आग लग गई है, आग इसलिए। अरे भाग्यवान, ये क्या किया तुमने? यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में पानी नहीं डालते। नहीं छोटू, ये यज्ञ नहीं है, ये दो परिवारों का अरमान था और इन्होंने अरमान से कोहली मतलब होली खेल ली, पूरा पानी फेर दिया यज्ञ पे। छोटू तुम अग्नि जला, जलाओ अग्नि। ओ ज्ञानचंद जी, अभी यज्ञ तो बुझ गया, लाओ पुक, तो अभी लकड़ियां सूखने में कम से कम 4-5 दिन तो लगेंगे, तो मैं क्या कहता हूँ 4-5 महीनों के बाद हम सगाई करते हैं। तेरी उतना वक्त नहीं होगा हमारे पास। तो अच्छी बात है, 4-5 सालों के बाद करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये यज्ञ आज ही होगा। छोटू नई लड़कियां मंगाओ। क्या सगाई के लिए नई लड़कियां? लड़कियां नहीं लोखंडे जी, लकड़ियां दीपक की सगाई के लिए, और उसी अग्नि को साक्षी मानकर दीपक और सुषमा की सगाई होगी। बड़े भैया,
मैं क्या कह रहा हूँ कि सगाई के लिए यज्ञ जलाने की क्या जरूरत है? अरे अंकल, यज्ञ नहीं होगा तो धुआं नहीं होगा, धुआं नहीं होगा तो पुतले का ज्ञानचंद जी कैसे बैठाएंगे? समझो ना बात को। समझ गया भैया। कुछ कहा आपने ज्ञानचंद जी माँ बापू? मैं यही कह रहा था कि सगाई भी होगी और यज्ञ भी होगा, वो भी आज ही। इतना टाइम हो गया, अब तक एक भी पेशेंट नहीं है। पिंकी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। लेटर ऑफ टर्मिनेशन, ये क्या बात हुई? पिंकी, वाह, आपने मुझे कितने अच्छे से आवाज लगाई। आई एम इम्प्रेस्ड। पिंकी, ये क्या है? मैम, ये लेटर है। लेटर है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा लेटर है? लेटर ऑफ टर्मिनेशन। आपके बॉस ने बिना किसी कारण के मुझे नौकरी से निकालने की साजिश की है। कहाँ है वो? वो 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 क्या वो वो वो? मुझे आपके बॉस से अभी मिलना है, मतलब मिलना है। चलिए आप। मैं डरता। I am impressed, मैडम। देखिए, आप अपना ये I am impressed ना बंद कीजिए। अभी आपके बॉस से मिलते हैं। देखती हूँ मैं कि वो मुझसे कितने इम्प्रेस्ड होते। चलिए। रुकिए मैडम। जा, कपड़े बदल। पर क्यों सर? दिवाली तो कब की चली गई सर? अरे मेरा दिवाला निकलने वाला, जा जल्दी, जा मेरे कपड़े पहले जा। हाँ, तो सर फिर आप क्या पहनोगे? अरे तू समझ रहा है कि नहीं, उसने वहाँ पे नोटिस पढ़ ली है, वो जेवी से मिलने आ रही है। मिस कर, मैं मार दूंगा, मार दूंगा, समझाओ। रिलैक्स, मैं बात करता हूँ। सदाशिव, देखो जय के पास ना और भी बहुत सारे कपड़े, मैं तुम्हें जय का एक कोट देती हूँ, वो पहनकर तुम वहाँ बैठकर जेवी बन जाओ। सो सिंपल। नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगा जेवी, क्योंकि अगर मैं जेवी बनूंगा तो जया मैम मुझ पर गुस्सा होएंगी। मुझे नहीं बनना जेवी, मैं नहीं कर सकता। देखो, आज अगर तुम जेवी बनते हो तो पिंकी से तुम्हारे लिए मैं बात करूंगी। सच्ची? पिंकी प्रॉमिस। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं नहीं बनूंगा जेवी। अरे अब ये यज्ञ कोई नहीं बुझा सकता। काका, यज्ञ तो वापस जल गया, मेरा तो भगवान पर से भरोसा ही उठते जा रहा है। मेरा तो तेरे ऊपर से ही भरोसा उड़ गया है। ना तेरी बात मैं सुनता, ना ये सुषमा की सगाई दीपक के साथ करने की नौबत आती। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये टेडिंग टेडिंग टिंग बंद कर, और कितना गाना गाएगा? आगे भी तो बढ़ो, लोखंडे जी ऊपर नीचे हो रहे। सारी तैयारी हो गई? हाँ, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। हाँ ठीक है, हो गई ना तैयारी, तो सारी हो गई ना। हो गई सारी तैयारियां, हो गई। ये लो थाल जी। जैसे ही हम मंत्र उच्चारण करेंगे और जैसे ही मेरे मुख से निकलेगा स्वाहा, उसके बाद तुम ये लोहबान इस अग्नि में डाल देना। ठीक है। बैठना नहीं है, ये मंत्र उच्चारण खड़े खड़े करना चाहिए। लोखंडे जी, अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्वाहा बोलते ही छोटू या हो गए ओम या स्वाहा।
माँ बापू जी भवन पूरा हो गया। माँ बापू जी स्थित प्रज्ञ अवस्था में चले गए हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। लोखंडी जी इसे बात छोड़ो, बात छोड़ो। चलो करो, अंग्रेज भारत छोड़ो। पंचन जी वो अंग्रेजों को भारत में आने से रोक रहे होंगे ना। तू अपने आप को रोक सुधाकर, तू अपने आप को रोक, उन्हें डिस्टर्ब मत कर। लोखंडी जी ए, सुधाकर जी, जी ये गैंटन जी वापस कब आएंगे? आप वो दीपक बनकर ही आएंगे। मतलब माँ का कहने का मतलब है कि अब जब दीपक दूल्हा बनकर आएगा ना, तब जाकर महाबापू जी वापस आएंगे। लेकिन दीपक दूल्हा बनकर क्यों आएगा? शादी नहीं है, सगाई है। सगाई की वजह से दीपक बहुत खुश हो गया होगा ना, क्योंकि आज उसका दिन है, खुशी के मारे फूला नहीं समाता होगा और पागल जैसा हो गया होगा। अब पागलों का तो कोई भरोसा नहीं ना लोखंडी जी। ये भरोसे का नाम भी मत लो प्रेमचंद जी, गधे के ऊपर भरोसा रखा मैंने, ये क्या नौ बता गए। सदाशिव भगवान, भगवान सदाशिव के परम भक्त है। अच्छा, मुंह में भगवान का नाम लेकर आप बेवजह गरीबों को नौकरी से निकालने का पाप करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं पापी नहीं हूँ जी, मैंने आपको नौकरी से नहीं हटाया। आपने नहीं निकाला तो फिर किसने निकाला? मिस जाया, मैं स्वानुदासनिया। प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनसे बात करनी। सो मिस्टर जेवी, क्या आपके कंपनी में एक ईमानदार मेडिकल ऑफिसर की जरूरत नहीं है? अब आप चुप क्यों? बोलिए, जवाब दीजिए। वो मैं क्या वो मैं लगा रखा है? आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं पिंकी, आप प्लीज चुप रहिए। पिंकी जी बोलेंगी और मैं भी बोलूंगा। वेरी गुड, तो बताइए मुझे इस कंपनी से क्यों निकाला गया है? बिकॉज यू आर नॉट कंपैटिबल फॉर दिस जॉब। व्हाट डू यू मीन आई एम नॉट कंपैटिबल फॉर दिस जॉब? You think I won't ask questions? I need to know the right answer. Because Humpty Dumpty sat on the wall. Baba Black Sheep, have you any wool? Johnny, yes, Papa. ये क्या मजाक लगा रखा है? Shut up, Johnny. Johnny, yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Telling a lie? Yes, Papa. अच्छा, अब मैं समझी कि मुझे इस कंपनी से क्यों निकाला गया है। क्योंकि यहाँ का बॉस पागल है। ठीक है, मुझे इस पागलपंती का इलाज भी आता है। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे छोड़ूंगी नहीं। देख लूंगी मैं आपको। My lazy berry, will you get up today? You can go. Go again. Disgusting. I'm not impressed. Jaya ma'am. ये क्या कर रहे हो तुम सदाशिव, क्या कर रहे हो? मुझे आपसे माफी मांगनी है सर। क्यों? मुझे आपकी वाइफ के साथ
ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पागल हो क्यों क्या सदाशिव, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और तुमने मेरे लिए क्या है? बस यार थोड़ी अपनी अंग्रेजी सुधार ले। क्या था जय, अभी जो कुछ भी हुआ सो हो गया, इसने भी जो किया सो किया, लेकिन अब मुझे सब इस बात की टेंशन हो रही है कि अब तुम्हारी बीवी जया क्या करने वाली है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.